गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। कॉफी अभी मंगवाओ या बाद में पियेंगे मुराद सर? असिस्टेंट कहाँ है तुम्हारी? वो नहीं आई अभी तक। क्या मतलब कि वो आई नहीं अभी तक? किस ऑफिस में ऐसा होता है कि बॉस के बाद असिस्टेंट आए? ये तो सिर्फ मैंने हमारी कंपनी साझे में ही देखा है। चीजों को ठीक करो तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कॉफी? जिसका काम है उसी को करने दो। ओफ यार, आखिर मैं ही क्यों इनके डांट का शिकार हो जाती हूँ। आइए। मुराद सर, आपकी कॉफी आ गई। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट है भी या नहीं? मुझे जैसा चाला ने कहा था, मैंने सिर्फ वैसा ही किया है मुराद सर। उसने कहा कि आप मेरे बारे में पूछ रहे थे, और जैसा कि आज आपने देखा, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हुई हूँ। बल्कि आज तो हम दोनों एक ही टाइम पर आए थे ऑफिस। हाँ, देखा तो था मैंने तुम्हें। और मैं आपकी कॉफी लेकर आ गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मेरे लिए कॉफी बना के लाई हो, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तुम्हारी कॉफी की उसी तरह तारीफ करनी चाहिए जिस तरह उस रात तुम मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ कर रही थी। मैं आपका सवाल समझी नहीं हूँ। हाँ, आप मेरी कॉफी को जज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई खास कॉफी नहीं है, ये तो सिर्फ डबल एस्प्रेसो है। मोहब्बत छलक रही तुम्हारी। एक सिप पीने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत मोहब्बत से बनाई है ये कॉफी। बड़ा अपनापन है इसमें। हाँ, मगर इसके टेस्ट में गुस्सा भी है थोड़ा सा, थोड़ी सी मस्ती भी है, और ये चीनी के बगैर भी बहुत मीठी है। ये मैंने प्यार से इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है, और मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि जो चाला ने मुझसे बातें कही हैं, आपको तो पता है उसका मुराद सर। और अगर हाँ, मेरी कॉफी में आपको फन महसूस हो रहा है, तो शायद मैं हूँ ही इतनी फन लविंग कि मैं जो भी काम करती हूँ वो एंजॉय करके करती हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। मुझे अच्छा लगा, तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। जी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम बहुत ही खुशकिस्मत है। अब फौरन जाओ और मेरे लिए बहुत अच्छी सी कॉफी बना के लाओ, और यहां से चीनी जरूर डाल देना। Love's an anlamam.